बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वो बीएस केमिस्ट्री और बीएस जूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का कंबाइन कोर्स जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें जूलॉजी के लिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स है, जबकि केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए ये जो है वो कंप्यूटर्स एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो हैं वो हमारे पास कोर्स हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है वो कंप्यूटर डिवाइस के बारे में डिस्कस किया था, और कंप्यूटर के यूनिट्स जो बेसिक यूनिट्स थे, 5 यूनिट्स, इनपुट यूनिट, उसका प्रोसेसिंग यूनिट, उसका प्राइमरी मेमोरी यूनिट और सेकेंडरी मेमोरी यूनिट, स्टोरेज जो थी, आउटपुट डिवाइसेज या आउटपुट यूनिट्स जो थे, इनको हमने डिस्कस किया। आज के हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन जो है उसको देखेंगे कि कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे की जाती है। कंप्यूटर बेसिकली जो है वो क्लासिफाइड किए जाते हैं उनके साइज और उनकी कैलकुलेशन पावर की बेस के ऊपर, कि कंप्यूटर जो है उन कितना पावरफुल है और वो उसका साइज कितना है। इस बयाफ के ऊपर जो है वो कंप्यूटर जो है उनको क्लासिफाई किया जाता है, उसकी टाइप्स बनाई गई हैं, कैटेगराइज किया गया उसको। तो पर्सनल कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स, ये यहाँ पे हम मेजर 5 इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। पर्सनल कंप्यूटर एक स्मॉल सिंगल यूजर बेस्ड कंप्यूटर है, जिसके अंदर एक माइक्रोप्रोसेसर है और उस माइक्रोप्रोसेसर के साथ एडिशनली जो है वो एक कीबोर्ड होगा ताकि डेटा एंटर किया जा सके, मॉनिटर होगा ताकि इंफॉर्मेशन जो है उससे डिस्प्ले करवाई जा सके, और स्टोरेज डिवाइसेज होंगी ताकि डेटा को सेव किया जा सके। तो एक पर्सनल कंप्यूटर की बेसिक ये पार्ट्स हैं, प्रोसेसिंग एलिमेंट हो, प्रोसेसिंग यूनिट हो, इनपुट यूनिट हो, आउटपुट यूनिट हो और स्टोरेज यूनिट्स हो। तो पर्सनल कंप्यूटर जो है ये नॉर्मली जो है वो हम जो घरों में इस्तेमाल करते हैं उनको हम पर्सनल कंप्यूटर्स कहते हैं। वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन एक पावरफुल कंप्यूटर है पर्सनल कंप्यूटर के मुकाबले में, और ये सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है। एक वर्क स्टेशन जो है वो पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही है, लेकिन इसके पास प्रोसेसिंग की जो पावर्स हैं वो ज्यादा हैं, और इसकी जो मॉनिटरिंग क्वालिटी है वो पर्सनल कंप्यूटर से ज्यादा है। यानी ये कंप्यूटर वर्क स्टेशन साइज में दिखने में पर्सनल कंप्यूटर के जैसा है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग पावर्स जो है वो ज्यादा है, इट इज मोर पावरफुल देन पर्सनल कंप्यूटर, और इसकी जो मॉनिटरिंग क्वालिटीज हैं वो हायर हैं पर्सनल कंप्यूटर से। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर मल्टी यूजर कंप्यूटर है जिसके पास जो है वो 10 या 10 से ज्यादा, यानी हम 10 से 100 तक यूजर जो है उसको सिमल्टेनियसली ये सपोर्ट करता है कि वो उसके साथ जो है वो वर्क कर सके, बस इसको हम वैसे मिनी कंप्यूटर कहते हैं, लेकिन ये मल्टी यूजर कंप्यूटर है। इसी तरह मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हैं वो ज्यादा पावरफुल है, मल्टी यूजर कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल है, और ये 100 से हजारों की तादाद में यूजर जो है उनको एक ही वक्त में जो है वो हैंडल करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। इनकी प्रोसेसिंग पावर्स बहुत ज्यादा है और इनका साइज जो है वो कैपेबिलिटी जो है वो यूं कह लें कि मिनी कंप्यूटर से या हमारे पास वर्क स्टेशन या पर्सनल कंप्यूटर से ज्यादा होती है। सुपर कंप्यूटर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सुपर कंप्यूटर एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर है और ये हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को है वो एक सेकेंड में चुटकी बजाते जो है वो कैलकुलेशन को कर लेता है। इसका मतलब है इसकी पावर जो है वो बहुत ज्यादा होगी, इसी हिसाब से इसकी जो मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज हैं वो भी हाई होंगी, बल्कि मोर देन हाई हम कह सकते हैं। कौन सी ऐसी मेजर बातें हैं, जैसे जैसे वो पावरफुल ज्यादा होता जा रहा है, ज्यादा कैलकुलेशंस करता जा रहा है, तो वैसे वैसे उनकी प्राइस जो है वो बढ़ेगी, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी, ये चीजें बढ़ती हैं तो वो कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल होगा। ये सारी बातें अपने ज़हन में रखते हुए देखें तो पर्सनल कंप्यूटर जो है वो प्राइस के हिसाब से सस्ता है, प्रोसेसिंग स्पीड उसकी नॉर्मल होगी, स्टोरेज कैपेसिटी उसकी कम होगी,
पावरफुल वो कम होगा, सिंगल यूजर होगा और कंप्यूटर का साइज जो हमारे अपने घरों में मौजूद है। अब हम बात करते हैं वर्क स्टेशन की। वर्क स्टेशन प्राइस के हिसाब से पर्सनल कंप्यूटर से महंगा है, लेकिन मिनी कंप्यूटर से सस्ता है। प्रोसेसिंग स्पीड उसी हिसाब से कम ज्यादा है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो ये चीजें जैसे जैसे हमने उसकी क्लास कंप्यूटर की बढ़ाई है, वैसे वैसे ये चीजें जो है उनके लिए बढ़ेगी। प्राइस बढ़ेगी, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, वो ज्यादा पावरफुल होगा, वो सिंगल यूजर से मल्टी यूजर पे चला जाएगा। वर्क स्टेशन भी सिंगल यूजर होता है। लैपटॉप कंप्यूटर पोर्टेबल कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी वैरायटी है लोकेशंस के ऊपर जहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं सेम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को जो हम पर्सनल कंप्यूटर में रन करते हैं। तो लैपटॉप कंप्यूटर जो हैं वो इस वक्त हम सब के लिए बहुत फेमिलर हैं। आप अपने घरों में देखते हैं, ऑफिस में देखते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर देखते हैं, लैपटॉप्स जो है वो अब और ज़्यादा फेमिलर हो चुके हैं। नेटबुक कंप्यूटर, नेटबुक कंप्यूटर जो है वो लैपटॉप की ही एक टाइप है और इसको डिजाइन किया गया है कि ये लैपटॉप से भी ज्यादा पोर्टेबल हो। जैसे कि अब हम लोग जो है वो टैबलेट से इस्तेमाल करते हैं, चीपर है लेकिन पावर बहुत कम है। लैपटॉप और डेस्कटॉप से चीपर है लेकिन पावर कम है। इसी तरह जनरली जो हमारे पास जो है वो कम पावर के जो कंप्यूटर्स होंगे वो हमें इतनी पावर नहीं प्रोवाइड करेंगे। और वैसे भी हमें ईमेल्स करने के लिए या इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए जस्ट ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स वाई नेटबुक जो है वो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। मोबाइल डिवाइसेस, बाबा आप सब लोगों मोबाइल डिवाइसेस से वाकिफ हैं, किस कौन है जिसके जेब में इस वक्त जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होगा। मोबाइल डिवाइसेस बेसिकली हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स कहलाते हैं, इनको हम पाम कंप्यूटर्स भी कहते हैं, हथेली पे रखा हुआ कंप्यूटर जैसे लैपटॉप गोद में रखते हैं। ये डिज़ाइन किया गया है एक्सट्रीमली पोर्टेबल समझ के और मोबाइल डिवाइसेस जो हैं वो पावरफुल भी बनाई गई हैं। टैबलेट कंप्यूटर्स, ई बुक रीडर्स, स्मार्टफोन्स, ये टाइप्स हैं मोबाइल कंप्यूटर्स की। टैबलेट कंप्यूटर्स डिज़ाइन किया गया पोर्टेबल कंप्यूटर के तौर पर। ज़्यादा ऑब्वियस है डिफरेंस इसमें टैबलेट कंप्यूटर्स के अंदर कि इसमें जो है वो कीबोर्ड या टच पैड्स जो हैं वो टैबलेट कंप्यूटर्स के अंदर नहीं होते। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसकी स्क्रीन जो है वही सारे फीचर्स हमें दे रही होती है जैसा कि यहाँ तस्वीर में आप लोग देख रहे हैं। बेस्ट यूज़ जो है वो इसका यही है कि हम इसको टास्क पे, वेब पे ब्राउजिंग करें, वॉचिंग वीडियोज़ करें, रीडिंग बुक्स के लिए इस्तेमाल करें, प्लेइंग गेम्स के लिए इस्तेमाल करें। कुरान मजीद अगर हम इसमें डाउनलोड किया हो तो हम उसको वक्तन फ़वक्तन पढ़ सकते हैं, कोर्स की किताबें पढ़ सकते हैं। तो टैबलेट जो है वो हमारे पास बेसिकली इन पर्पसेस के लिए डिज़ाइन किया गया। टैबलेट कंप्यूटर्स जो हैं वो ऑब्वियसली दूसरे कंप्यूटर से यानी कीबोर्ड कंप्यूटर्स या टच पैड वाले कंप्यूटर्स हैं उनसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इंटायर जो इसकी स्क्रीन है वो टच सेंसिटिव होती है और ये अलाउ करती है यूज़र को कि वो वर्चुअल कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए और अपनी फिंगर्स को इस्तेमाल करते हुए एज अ माउस जो है वो पॉइंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। मोस्टली जो हमारे पास टैबलेट्स हैं वो डिज़ाइन की गई हुई हैं कंज्यूमिंग मीडिया के लिए एंड यूज़र टाइप और ऑप्टिमाइज्ड हैं ये कि आप इसमें वेब ब्राउजिंग कर सकें, वॉच वीडियो कर सकें, बुक्स को ई बुक्स जिन्हें हम कहते हैं वो रीड कर सकें या गेम्स खेल सकें। स्मार्टफोन्स पावरफुल मोबाइल फोन्स हैं, डिज़ाइन किए गए हैं वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन के लिए जिसमें फ़ोन की सर्विसेज भी हैं और ये किसी हद तक कंप्यूटर के भी बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ देते हैं। इंटरनेट एक्सेस इसको दी गई है, वाईफाई सर्विसेज दी गई हैं इसके अंदर, 3G 4G और इवन अब 5G की तरफ हम मूव कर चुके हैं। डेटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, डेटा मैंने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि डेटा जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स उसको कहते हैं जो रॉ मटेरियल्स हैं, बिखरी हुई चीज़ें हैं। ऐसे किताबों को मैंने कहा बिखरा हुआ, आप उनको स्टैक करें, उनको सेट करें, स्ट्रक्चर्ड करें, जब वो स्ट्रक्चर्ड हो जाएंगी तो फिर वो इंफॉर्मेशन बन जाएंगी। डेटा जो है हमारे पास जब प्रोसेस्ड फॉर्म में आता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, तरतीब शुदा डेटा है, इंफॉर्मेशन कहलाता है।
मालूमात बन चुकी होती है हमारे पास और वो प्रोसेस्ड हो चुकी होती है। नॉलेज, कंप्यूटर में नॉलेज जो है उसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन या प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन जो हमें ये बताए कि ये चीज कैसे है और उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें दे, फिर हम उसको कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर जो है वो नॉलेज का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। डेटा सिंबल्स हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो उन प्रोसेस्ड जो है वो सिंबल्स हैं उनको, जैसे हु व्हाट वेयर एंड व्हेन क्वेश्चंस जो है, अगर हम इनके आंसर्स करें तो फिर इंफॉर्मेशन। और अगर हम ऐसा करें कि डेटा की एप्लीकेशंस और इंफॉर्मेशन की जो एप्लीकेशंस हैं उनके आंसर्स जो हैं वो हम हाउ क्वेश्चन के साथ करें, ये कैसे, इंफॉर्मेशन जो है वो ये क्या है, हु कौन व्हाट क्या वेयर, ये हमें सेंस दे व्हेन, और जब हमें ये इंफॉर्मेशन से ये आंसर मिले हाउ कैसे, तो फिर वो नॉलेज कहलाए। ये इस चार्ट के अंदर हमने इसको डिस्कस किया कि डेटा जो है वो वर्ड्स हैं, इमेजेस हैं, नंबर्स हैं, पर्पस मीनिंगफुल प्रोसेस्ड है इंफॉर्मेशन, और जो हमारे पास नॉलेज है वो स्ट्रक्चर्ड है, ग्रोथ है, और उसमें सिस्टम नजर आता है, सिस्टमैटिक थिंग्स है। प्रोसेसिंग डेटा प्रोड्यूस करती है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन पे अगर प्रोसेस किया जाए तो फिर वो नॉलेज क्रिएट करता है, मतलब वो नॉलेज बन चुका होता है। कंप्यूटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे पास स्पीड है, एक्यूरेसी है, डिलीजेंस है, स्टोरेज कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है, वर्सटिलिटी है। स्पीड, कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा वेरी फास्ट एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर की स्पीड के बारे में अंदाजा उसके प्रोसेसर से लगाया जाता है, यानी अगर वो 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, हमें पता है कि हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है और फ्रीक्वेंसी जो है वो साइकल्स पर सेकंड है, और अगर कोई गीगाहर्ट्ज है तो इसका मतलब है 10^9 जो साइकल्स हैं पर सेकंड, एक सेकंड में इतनी कैलकुलेशंस करते हैं। और अगर हमारे पास डुअल कोर, क्वाड कोर, आई कोर 7, 3, हमारे पास जो है वो ऑक्टल कोड, इसी तरह हमारे पास जो है वो 64 प्रोसेसर अगर एट अ टाइम काम करें तो वो कितने पावरफुल होंगे अगर उनका जस्ट 1 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसिंग स्पीड। एक्यूरेसी, कंप्यूटर प्रोवाइड करते हैं हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर कैन एक्यूरेट गिव द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ एनी नंबर्स अप टू 10 decimal प्लेसेस। इंटेलिजेंस, इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर जो है वो थकता नहीं है अगर हम उसको बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें, बस बशर्ते कि उसका एनवायरनमेंट जो टेम्परेचर का है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर रहे, अदरवाइज डिवाइस जो है वो हीट अप होती है जिससे जो है वो डिवाइस जो है उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो असरअंदाज हो सकती है। स्टोरेज कैपेसिटीज जो है वो जैसे जैसे हम पैसे बढ़ाते जाते हैं, चीज़ें बेहतर करते जाते हैं, स्टोर कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है। एक लाइब्रेरी के अंदर, जैसे कि हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर 2500 के करीब किताबें पड़ी हैं, अगर हम इतनी किताबें और ले आएं तो उसमें स्पेस जो है वो हमें कोई रीजनेबल नहीं मिलेगी, लेकिन एक कंप्यूटर की 1 GB की जो हमारे पास मेमोरी स्पेस है सिर्फ 1 GB की, उसमें हम जितनी मौजूद हमारे पास किताबें हैं इतनी और शायद इससे कुछ और ज़्यादा किताबें हम उसमें रख सकें। वर्सटाइलिटी, कंप्यूटर्स की वर्सटाइलिटी जो है वो, जो कंप्यूटर्स आर वर्सटाइल इन नेचर, किसी एक काम के लिए नहीं, ये एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं एट अ टाइम। जैसे इस वक्त कंप्यूटर जो है वो पावर पॉइंट स्लाइड्स भी शो कर रहा है, मेरी आवाज़ को भी रिकॉर्ड कर रहा है, स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर रहा है, पीछे इंटरनेट भी कनेक्ट हुआ होगा, ठीक है, तो मल्टी टास्क जो है वो एक वक्त में करने की कैपेबिलिटी रखता है। वर्सटाइल डिवाइस है हमारे पास, इनको डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि ये हमारी मल्टी फंक्शनैलिटी जो करे, जैसे कि आप जो है वो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चला गए और उसके बाद अपनी डॉक्यूमेंटेशन को करें तो वो बैकग्राउंड में म्यूज़िक को भी प्ले करेगा और जो आप डॉक्यूमेंटेशन पे ऊपर वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर भी आपको फैसिलिटेट। क्वेश्चंस हो, क्यूरीज हो, कमेंट कीजिएगा, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं आप मेरे साथ, लाइव सेशन में आप जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।